10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से एक सीट यूपी के प्रयागराज की भी है। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट से पिछली बार 2200 वोटों से विधानसभा चुनाव हारने वाले मुस्तफा सिद्दीकी पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताते हुए अपनी कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव लल्लन राय ने कहा कि हर हाल में ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। अभी 6 सीट क्लियर हुए हैं, ये सभी सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी साहब जो पिछली बार हराए गए थे और 2200 वोट से हराए गए थे, वरना विधायक तो पिछली बार 2022 में ही थे। अभी जो है, चूंकि वहां का विधायक जो है सांसद हो गया भारतीय जनता पार्टी में, तो ये उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव को हम लोग जीत रहे हैं, हर कीमत पे जीत रहे हैं, क्योंकि जनता ने जान लिया है कि हराने का काम, चाहे लोकसभा चुनाव में हमारे अमरनाथ मौर्या जी को हराया गया, चाहे 2022 में हमारे ये मुर्तजा सिद्दीकी साहब को हराया गया, तो ये मान के चलें कि इस बार जीत जो है काफी वोटों से होगी। 6 सीट जो क्लियर है, जो अभी डिक्लेयर हुई है, वो जीतने टोटल जीतने वाली सीट हमारी, वो 6 सीट तो हम लोग जीत रहे हैं, उसमें कोई दाग नहीं है। 4 सीटों का जो अभी आ रहा है, नाम आ जाए तब हम आपको बता देंगे क्या पोजिशन है। हरियाणा की बात है, हरियाणा में ठीक है गठबंधन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जो है, जो गठबंधन रहा है लोकसभा चुनाव में, उस तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन की बात है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी हमारे अखिलेश यादव जी जो फैसला करेंगे वो चलेगा। नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे कि वो कितनी सीट पे लड़ेंगे। 4 सीट बची हुई है, अब 4 में कितनी सीट पे देंगे नहीं देंगे, जो भी आपस में, ये तो हमारे ख्याल से कि अखिलेश जी और राहुल गांधी जी के बीच की बात है, इसमें हम लोग नहीं जानते। आयोजन को लेकर सरकार बहुत तैयारी कर रही है, कुछ तमाम आपत्तियां भी की गई है कि मांस मदिरा यहाँ पर बंदित होगा, योगी जी ने कहा है, सबकी यहाँ पर चेकिंग की जाएगी आधार कार्ड से, इसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, हम इसके बारे में, अभी ये प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें हम अभी क्या कहें, आगे चल के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये अननेसेसरी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मांस मदिरा की बात है, अब ये पवित्र नगरी है, इसके बारे में उन्होंने वो दिन भर यही करते ही हैं। जब महंगाई की बात करो तो अयोध्या की बात करेंगे, जब बेरोजगारी बात करो तो कुंभ की बात करेंगे। उनके पास कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं, यही एजेंडा चलाकर वो अपनी सरकार चला रहे। मतलब ये फैसला राजनीति से प्रेरित है? अब देखिए, इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर ये राजनीति प्रेरित न होता तो अभी तक तो इस प्रकार का कोई प्रतिबंध प्रयाग में नहीं लगा, अब लगा रहे हैं। मथुरा में लगाया था इसके पहले? मथुरा में तो पहले भी था, बाबा का नहीं है और कुछ। अच्छा, ये बताओ, आप लोग ये बताओ, चुनाव को लेकर आज 5 जो है प्रत्याशी, 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में अपने दर्ज कराएगी? देखिए, ऐसा है, अब ये उपचुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, आज की है। मैं तो यहाँ हूँ, हमारे बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी मैं पता लगाऊंगा किसको कहाँ दिया है। जहाँ तक चुनाव की लड़ने की बात है तो समाजवादी पूरी मजबूती से लड़ेगी और हम आशा करते हैं हम सभी सीटों पर जहां लड़ेंगे सब जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे तो जीतेंगे। वैसे लेकिन अभी जो कल हरियाणा के नतीजे आए वो विपक्ष को निराश करने वाले नहीं? देखिए, ऐसा है, नतीजे कहीं निराश करते हैं, कहीं लोगों को उत्साहित करते हैं। उत्तर प्रदेश का जब नतीजा आया तो भाजपा निराश हो गई थी, याद है, तो ये तो होता रहता। मतलब आप लोग का कहना है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भाजपा को निकाल बाहर करेंगे, समाजवादी पार्टी अगली बार 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेगी? नहीं, अब देखिए, अभी तो गठबंधन है ही, उसी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। क्या कांग्रेस को भी कुछ सीटें जाएंगी? नहीं, क्यों, इस कांग्रेस को सीटें मिलेंगी ना कुछ, समझौते? देखिए, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारी बात कोई हुई नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात हुई, उसी हिसाब से अपना वो कुछ करेंगे। जब तक हम वहाँ लखनऊ पहुंच के पूरी जानकारी लेने, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लड़ेंगे मजबूती? हाँ, मजबूत, इसमें भी कोई संदेह है, अभी मजबूती नहीं आई, देख रहे हो कैसे कैसे उलट गए।
कहाँ 400 पार, कहाँ 300 पार भी नहीं हुआ। हरियाणा में लड़े? देखिए हरियाणा में तो गठबंधन में हम लड़े नहीं थे, कांग्रेस और सीधी उनकी लड़ाई थी। अब किन परिस्थितियों में क्या हुआ इसके बारे में कुछ कहना है? अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी साथ होती कांग्रेस के तो रिजल्ट अब ये देखिए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब जो चुनाव हो गया तो उसके बारे में जब इसका विवेचना होगी और इसके बारे में चर्चा होगी तब क्लियर होगा क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके बाद आप आए हुए हैं, आपकी पार्टी के विधायक जेल में बंद हैं, उनसे आप मुलाकात? हाँ, उन्हीं से मुलाकात करने। क्या कहेंगे, क्या अखिलेश जी का कोई पैगाम लेकर उनके पास जाएं? नहीं देखिए, हम उनसे मिलेंगे, उनकी दुश्वारियां कठिनाइयां कैसे उनको बंद कर दिया इसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर हम भदोही भी जाएंगे, वहाँ के लोगों को जो पुलिस प्रताड़ित कर रही है उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। फिर हम एक कोई रणनीति बनाएंगे इसको कैसे रोका जाए, क्या कानूनी तौर पे मदद भी मुहैया करें? क्यों नहीं, अब जो हमारे विधायक हैं तो कानूनी तरह से भी मदद होगी, जनता के बीच की भी मदद होगी, उनके उत्साह को कम नहीं होने दिया है। उनका परिवार ये कह रहा है कि ये तो मतलब एक साजिश के तहत एक उत्पीड़न किया जा रहा है, आप लोग क्या मानते हैं? अब देखिए आप तो इलाहाबाद के लोग, आपको बताना है साजिश क्या क्या साजिश हो रही थी, आप तो अपने आप को देखिए। बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, जितने प्राइवेट निवेशक थे चाहे जिसमें, देखिए वो आज अपने उसमें जो काम करने वाले थे उनकी संख्या कम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, घट रही है? जब बेरोजगारी बढ़ रही थी इस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ करते? अरे हम लोग तो रोज कहते हैं, लेकिन हमारी बात को आपकी मीडिया आगे तो ले जाए। आप चाहते हो लेकिन आपका मालिक नहीं चाहता, क्योंकि आपके मालिक सब भाजपा सरकार के गिरोह को शामिल है या कहो उनके दबाव में। देखिए विपक्ष, देखिए आप देखो ऐसा है, देखिए ऐसा है, विपक्ष उतरता है। अब हम आप साधारण बैठक करते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता, सब वैधानिक अधिकार है हमारा प्रदर्शन करने का, हमारा आंदोलन करने का। ये सरकार फर्जी मुकदमा लिख करके उसमें लोगों को चालान कर देती है, जो जेलों में बहुत दिनों तक बंद रखती है, विधायकों पर मुकदमा लिखा के ट्रायल करा करके उनकी उनकी जो है विधानसभा सदस्यता खत्म कराती है। यह तानाशाही है कि नहीं? ये सरकार चाहे भारत की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, शायद तानाशाही की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, यूपी सरकार ने अभी ये कहा है कि संविदा में जो नौकरियां मिलेंगी उसमें भी रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, और सरकार का ये दावा है कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला इसलिए वो नहीं सड़क पे। अब देखिए आज ऐसा नहीं है, कब नहीं मुद्दा उठता, रोज तो बोला जाता है। आज आप बेरोजगारी का आंकड़ा देखो, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है, ये हमें कहना चाहिए। आपके प्रेस के लोग हैं, आपको भी इसको, प्रिंट मीडिया को आपको भी इसको उजागर करना चाहिए। हम लोग बोले तो उसको तो पहुंचा दो, हम लोग बोलते हैं पहुंचते नहीं है, क्या करें हम लोग। एक सवाल है कि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर थे, उन्होंने दावा किया है कि पूरे देश में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था यूपी की है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं जो आंकड़े आए हैं उसमें ये बेहतर नहीं है। अब हम आंकड़े तो लेके आए नहीं ना, हमारे पास है, हम आपको बता दूं, लेकिन आप अगर क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट मांगोगे तो ये सबसे बेहतर नहीं है। ये सबसे बेहतर है, रोज बलात्कार की सीमा आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, रोज लड़कियां अपनी आत्महत्या कर रही हैं छेड़खानी को लेकर के, रोज रास्ते में लूट हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है, ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं के है तो उत्तर प्रदेश की। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।